मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है जब अमेरिका के क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ रहे थे, इन क्राइम्स की वजह से कैदियों में भी इजाफा हो रहा था। और ये सब देखते हुए अमेरिका के गवर्नमेंट ने प्राइवेट जेल्स की एक कैंपेन चलाई और इसी तरह अमेरिका में बहुत सारे प्राइवेट जेल्स बन गए, क्योंकि दिन ब दिन अमेरिका में क्राइम बढ़ रहा था। जितना ज्यादा क्राइम हो रहा था उतने ही ज्यादा कैदी बढ़ रहे थे और इसी तरह कैदियों को प्राइवेट जेल्स में भेजा जाने लगा। और यहाँ पर एक जेल था टर्मिनल आइलैंड, और इस जेल में एक इलीगल रेस करवाई जाती थी और इस रेस में खतरनाक मॉडिफाइड कार्स का इस्तेमाल किया जाता था और ये सारी की सारी कार्स वेपन से भरी हुई होती थी और इन कार्स को जेल के कैदी चलाया करते थे। और इस रेस के 5 राउंड्स थे, जो भी कैदी इन 5 राउंड्स को जीत जाता था उस कैदी को आजाद कर दिया जाता था। इनसे बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे क्योंकि वो इनको लाइव ब्रॉडकास्ट करते थे और ऑडियंस को ये मौत का खेल बहुत ज्यादा पसंद आता था। कहानी का स्टार्ट होता है और हमें जेल टर्मिनल आइलैंड दिखाया जाता है और हमें रेस को दिखाया जाता है। इस रेस का लास्ट राउंड था। इस रेस को फ्रैंकेस्टाइन नाम का एक आदमी जीत रहा था। फ्रैंकेस्टाइन के चेहरे पर एक मास्क होता है और जैसे ही फ्रैंकेस्टाइन इस रेस को जीतने वाला होता है तभी यहाँ पर एक अजीब सी चीज होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रैंकेस्टाइन के सारे वेपन्स को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। और यहीं पर हम दूसरी कार में एक आदमी को देखते हैं जो कि इस रेस में दूसरे नंबर पर था। वो फ्रैंकेस्टाइन की कार को जोर से टक्कर मारता है। फ्रैंकेस्टाइन की कार में एक लड़की भी होती है जो इसकी पार्टनर होती है, इसका नाम केस होता है। फ्रैंकेस्टाइन केस से कहता है कि तुम कार से उतर जाओ और केस गाड़ी से उतर जाती है। जैसे ही केस उतरती है फ्रैंकेस्टाइन की कार ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जेल के बाहर एक जैनसन नाम के आदमी को दिखाया जाता है। जैनसन एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी यहाँ पर अचानक से पुलिस वाले आ जाते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम इलीगल था, मगर फिर भी बेरोजगारी की वजह से ये काम लोगों को करना पड़ता था। और यहाँ पर पुलिस आकर सब लोगों को मारने लगती है। इस कंपनी के वर्कर्स और पुलिस के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और अब जैनसन भी अपने घर आ गया था और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैनसन की एक हैप्पी फैमिली है जिसमें उसकी वाइफ और उसकी छोटी सी बेटी है और वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। लेकिन जैनसन के घर एक दिन एक मास्क वाला आदमी आ जाता है और वो जैनसन की वाइफ को मारने लगता है। तभी जैनसन अपनी वाइफ को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वो जैनसन को भी बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब जैनसन को होश आता है तो उसकी वाइफ मर चुकी होती है। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और पुलिस वालों का ये मानना था कि जैनसन ने ही अपनी वाइफ को मारा है, इसीलिए वो जैनसन को अरेस्ट कर लेते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। और जैनसन को भी टर्मिनल आइलैंड जेल में लाया गया था। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो जैनसन को पसंद नहीं करते। अब वो जैनसन को मारने की तैयारी कर रहे थे। जब जैनसन खाना खा रहा होता है तो उस पर आकर अचानक से अटैक कर देते हैं और फिर यहाँ पर पुलिस वाले आकर इन दोनों को अलग करते हैं। और ये बात जेल की वार्डन को पता चल जाती है और वो वार्डन जैनसन को अपने कैबिन में बुलाती है। वो जैनसन को बताती है कि तुम्हें ये बात नहीं मालूम कि तुमने किन लोगों को मारा है। वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, वो तुम्हें कभी भी मार सकते हैं। और वार्डन इसी दौरान जैनसन की फाइल देखती है और उसको पता चलता है कि जैनसन एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है और इसके साथ ही वो बहुत ही काबिल रेसर है। और अब वार्डन जैनसन को उसी रेस के बारे में बताती है और कहती है कि जो भी कैदी इस रेस को जीत जाता है हम उसको आजाद कर देते हैं। और साथ ही वार्डन जैनसन को फ्रैंकेस्टाइन के बारे में भी बताती है कि उसका पूरा चेहरा जल चुका था, वो मास्क लगाकर ड्राइविंग करता था, लोगों ने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन लोग उसकी रेस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब वो मर चुका है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम फ्रैंकेस्टाइन बनकर इस रेस में पार्टिसिपेट करो। लेकिन ये सुनकर जैनसन उसको मना कर देता है, लेकिन वार्डन उसको बताती है कि अगर तुम इसी जेल में रहे तो वो लोग तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करेंगे और अगर तुम इस रेस को जीत जाते हो तो हम लोग तुम्हें यहाँ से आजाद कर देंगे। और फिर ये बात को सुनकर जैनसन हाँ कर देता है और वार्डन उसको कहती है कि बाकी की इन्फॉर्मेशन तुम्हें कोच देंगे और उनको कोच के पास भेज देती है। और यहाँ पर कोच जैनसन को रेस की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस रेस में कोई भी किसी को भी मार सकता है और ये रेस 3 दिन तक चलती है और सबके पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं और तुम्हें अपनी कार की स्पीड का भी ध्यान रखना होगा और अगर तुम 3रे दिन तक जिंदा रहे तो तुम इस रेस को जीत जाओगे। और अब इन सारी बातों के बाद जैनसन दोबारा जेल में आ जाता है और यहाँ पर इसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है और वो देखता है
है कि इन लोगों के हाथों पर ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई है। वो कोच से पूछता है कि इन लोगों के हाथों पर ये ट्रैकिंग डिवाइस क्यों लगी हुई है, और अचानक से जेनसन को याद आता है कि जिस आदमी ने उसकी वाइफ को मारा था उसके हाथ पर भी ऐसे ही ट्रैकिंग डिवाइस थी। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेस का दिन आ गया था और वार्डन जेनसन को फ्रैंकस्टाइन का मास्क देती है और फिर सभी लोगों को उनकी गाड़ियों में भेज दिया जाता है। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें से बहुत सारी लड़कियाँ उतरती हैं। ये लड़कियाँ भी कैदी होती हैं और इनको भी रेस में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। और यहाँ पर हम उसी लड़की केस को देखते हैं जो कि फ्रैंकस्टाइन के साथी थी, और अब वो जेनसन की गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन केस जैसे ही आवाज सुनती है तो उसको पता चल जाता है कि ये फ्रैंकस्टाइन नहीं है। और अब रेस स्टार्ट हो जाती है और रेस हर जगह पर ब्रॉडकास्ट हो रही थी और TRP पहले की तरह बहुत हाई होती है। और जेनसन यहाँ पर खतरनाक तरीके से कार को ड्राइव करता है तो ऑडियंस को लगता है कि ये फ्रैंकस्टाइन ही है। और इसी तरह जेनसन की कार सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर आ जाती है, जिसे ये दूसरा कैदी देखकर उसकी कार को बहुत जोर से हिट करता है। और केस उसको कहती है कि अगर तुमने अपनी कार की स्पीड इसी तरह रखी तो आगे जाकर हमें बहुत ज्यादा वेपन्स मिल सकते हैं और हमें पेट्रोल भी मिल जाएगा। और इसी दौरान हम देखते हैं कि रेस के दरमियान कुछ खतरनाक ट्रैक्स को भी बनाया गया था, और अगर उन ट्रैक्स के आगे कोई भी कार आ जाए तो वो कार और ड्राइवर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और यहीं पर दूसरा कार ड्राइवर जेनसन पर बुरी तरह से फायर करता है और इसी तरह गोलियों से बचते बचाते जेनसन अपनी कार को लेकर दोबारा फर्स्ट नंबर पर आ जाता है। और यहाँ पर वो उसी आदमी को देखता है जिसने इस पर जेल में हमला किया था, और वो आदमी फिर से जेनसन को मारने का इशारा करता है। और उसका इशारा देखने के बाद जेनसन को अपनी वाइफ की डेथ याद आ जाती है कि जिस आदमी ने उसकी वाइफ को मारा था उसने भी ऐसे ही इशारा किया था। और अब जेनसन को इस बात का यकीन हो गया था कि इसी आदमी ने इसकी वाइफ को मारा था, और जेनसन उस आदमी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको नहीं मार पाता और रेस खत्म हो जाती है। जब वो रेस के बाद अपनी कार को गैराज में लाता है तो वहाँ पर वो उस आदमी का पीछा करता है और यहाँ पर उन दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा फाइट होती है। और जेनसन जब उस आदमी को मारने वाला था तभी एक पुलिस ऑफिसर उसको बेहोश कर देता है, और यहाँ पर हमें असली कहानी का पता चलता है। इस पुलिस ऑफिसर ने ही इस आदमी से कहा था कि वो जेनसन की वाइफ को मार दे, और ये पुलिस ऑफिसर ने इसलिए करवाया था ताकि वो जेनसन को अरेस्ट कर सके ताकि वो इस जेल में आ जाए और इस जेल में आने के बाद वो फ्रैंकस्टाइन की जगह ले ले। फिर से अगले दिन रेस स्टार्ट हो जाती है। अब जेनसन अपनी कार को आहिस्ता चलाता है और केस से सवाल पूछता है कि वो वार्डन के बारे में क्या जानती है। केस उसको बताती है कि वार्डन बहुत ही ज्यादा तेज है और वो जानती है कि उसने लोगों का कैसे इस्तेमाल करना है, और उसी ने मुझे कहा था कि फ्रैंकस्टाइन के वेपन्स को डिसेबल कर दो, इसके बाद वो मुझे यहाँ से आजाद कर देगी। वार्डन चाहती थी कि फ्रैंकस्टाइन इस रेस में हार जाए और इस गेम की पॉपुलैरिटी बनी रहे और उसे फ्रैंकस्टाइन को आजाद भी न करना पड़े, इसीलिए उसने फ्रैंकस्टाइन को मरवा दिया। ये सुनने के बाद जेनसन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो अपनी कार को बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चला रहा था और जेनसन उस आदमी पर बहुत ज्यादा फायरिंग करता है जिसने उसकी वाइफ को मारा था। और फिर जेनसन एक नया प्लान बनाता है, वो उस आदमी की गाड़ी के आगे बहुत ज्यादा धुआं कर देता है और उस आदमी की गाड़ी उलट जाती है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है जेनसन उसको मार देता है, लेकिन जेनसन ने इस गेम्स के रूल्स को तोड़ा था क्योंकि इस रेस के दौरान कोई भी कैदी अपनी कार से बाहर नहीं आ सकता। तभी वार्डन एक बहुत ही खतरनाक ट्रक भेजती है और ये ट्रक यहाँ पर आकर सभी कार्स पर बहुत ज्यादा गोलियां चलाता है और यहाँ पर सभी की सभी गाड़ियाँ खतरे में थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और कैदी जेनसन के साथ मिल गया था और जेनसन अब उसको कहता है कि हमें मिलकर इस ट्रक का मुकाबला करना होगा। इसके बाद ये दोनों अपनी कार्स को लेकर उसी खतरनाक ट्रैक पर चले जाते हैं, और जैसे ही इनकी कार्स उस ट्रैक में से गुजरती हैं उस ट्रैक पर से कुछ रॉड्स निकल आते हैं, और जैसे ही वो ट्रक उन रॉड से टकराता है तो ट्रक पूरी तरह से तबाह हो जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों ने एक बड़ी तबाही को रोक दिया। और इसके बाद दूसरे दिन की रेस भी खत्म हो जाती है। रेस के बाद जेनसन से वही आदमी मिलने आता है जिसने रेस में उसका साथ दिया था, लेकिन वो आदमी फ्रैंकस्टाइन समझकर मिलने आया था। जैसे ही वो जेनसन की आवाज़ सुनता है तो उसको पता चल जाता है कि फ्रैंकस्टाइन मर चुका है। और इसके बाद हम वार्डन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि इसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया था क्योंकि वो उस ट्रक पर बहुत दिनों से काम कर रही थी और जेनसन ने उसको
को एक ही मिनट में तबाह कर दिया और अब वार्डन बहुत ज्यादा डर गई थी। वार्डन पुलिस ऑफिसर को कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द जेनसन को मारना होगा। वो पुलिस ऑफिसर वार्डन की बात मानते हुए जेनसन की कार के नीचे बॉम्ब लगा देता है और अब तीसरे दिन की रेस स्टार्ट होती है और अब वार्डन जेनसन के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे पेपर्स रेडी करवा लिए हैं, अब बस तुम्हें इस रेस को जीतना है। और अब केस उसके पास आती है और वो भी वार्डन के बारे में उसको सब कुछ बता देती है कि वार्डन ने उसको वार्न किया है कि वो जेनसन को जीतने से रोकेगी। रेस स्टार्ट होती है और जेनसन अपनी कार को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे लेकर जाता है, लेकिन यहाँ पर ना ही उसको कोई पेट्रोल मिलता है और ना ही कोई वेपन्स मिलते हैं, लेकिन दूसरे कैदी को सब कुछ मिलता है और अब वो उसकी कार पर बहुत ज्यादा फायर करता है और अब दूसरा कैदी उसका पीछा करता रहता है और जेनसन अपनी कार को भगाता रहता है। तभी वो अपनी कार से एक रॉकेट लॉन्चर को छोड़ता है, लेकिन वो रॉकेट उसकी कार में लगने के बजाय वॉल पर लग जाता है और यहाँ पर हर तरफ धुआं हो जाता है। और जैसे ही धुआं खत्म होता है तो ये लोग देखते हैं कि दोनों गाड़ियाँ गायब हो चुकी थी और तभी इनको पता चलता है कि ये दोनों गाड़ियाँ जेल से बाहर जा रही हैं। और अब वार्डन बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और यहाँ पर पता चलता है कि उन दोनों ने पहले ही से प्लानिंग की हुई थी कि वो उस वॉल को तोड़ेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन अब वार्डन को याद आता है कि उसने जेनसन की गाड़ी में बॉम्ब लगवाया था, लेकिन वो बॉम्ब कोच के पास था और उसने बॉम्ब को डिसेबल कर दिया था और अब वो लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स उनको फायर करके रोकते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी वार्डन उनके पीछे दो हेलीकॉप्टर्स को भेजती है और अब वो हेलीकॉप्टर्स इन पर फायर करने लगते हैं। तभी जेनसन और उसका साथी दोनों अलग हो जाते हैं और जेनसन अपनी गाड़ी से कूद जाता है और इसकी गाड़ी को केस चलाकर आगे ले जाती है और वो काफी दूर जाकर गाड़ी को रोकती है और फ्रैंकेस्टाइन का मास्क पहनकर गाड़ी से बाहर आती है और पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। सबको ये लगता है कि ये फ्रैंकेस्टाइन है और दूसरी तरफ हम वार्डन और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और उनको लगता था कि उन लोगों ने जेनसन को पकड़ लिया है और साथ ही लोग उसको गिफ्ट्स भी दे रहे हैं। और अब वार्डन के सामने एक गिफ्ट पड़ा था, जैसे ही वो गिफ्ट को खोलती है उसको वही बॉम्ब मिलता है जो उसने जेनसन की गाड़ी में लगवाया था। तभी ये बॉम्ब यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वार्डन और पुलिस ऑफिसर दोनों मर जाते हैं। तभी हम कोच को देखते हैं क्योंकि इसने ही इस बॉम्ब को भिजवाया था और दूसरी तरफ हम जेनसन और उसके साथी को देखते हैं जो कि भागते हुए एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तभी जेनसन कहता है कि पहले मुझे अपनी बेटी के पास जाना है और जैसे ही मुझे मेरी बेटी मिलेगी मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। हम एक गैराज को देखते हैं जहाँ पर जेनसन और उसका साथी दोनों काम कर रहे होते हैं और ये गैराज जेनसन और इसके साथी का है। तभी यहाँ पर एक गाड़ी आती है और इस गाड़ी में से हम केस को उतरते हुए देखते हैं क्योंकि अब केस भी जेल से आजाद हो गई थी और अब केस भी यहाँ पर आ गई थी। जेनसन उसको अपनी बेटी से मिलवाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।